Hello, my name is Kushab. Welcome to Kushab Center for Excellence. So, guys, ask you today on this discussion on in class 9th, NCERT का chapter 8 का part 3. ये part 3 है, किसने part 1, part 2 नहीं देखा है. So, मेरा आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ से जाके part 2 देखिए, फिर part 2 और जब आप देखेंगे सो फिर मेरा आई बटन पर क्लिक करिए और वो आई बटन होगा part 1 का. part 1 देखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या कि इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको सब बता चुका हूँ. सो इसलिए अगर जिसने फर्स्ट पार्ट देख लिया और सेकंड पार्ट भी देख लिया, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये part 3 chapter 8 का. सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं. सो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन को फर्स्ट देख लेते हैं. चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या दरकार में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन को फर्स्ट देखते हैं. चलिए ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल्स. ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स है, इन विच P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स. ये सब PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड. किस किस साइड्स के हैं, AB, BC, CD एंड DA. इन साइड्स के क्या है, वो मिड पॉइंट्स है. अब यहाँ देखिए सी फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है, उसमें क्या है, AC इज अ डायगोनल, हमें शो डेट शो करना है AC इज अ डायगोनल. तो अब फिगर देखते हैं क्या दे रखा है फिगर में हमें. देखिए हमें यहाँ फिगर में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं. ये फिगर बना हुआ है हमारा, इस टाइप का ये फिगर दे रखा है हमें यहाँ पे. कैसे हाँ ये ऐसे इस टाइप का ये फिगर दे रखा है यहाँ पे. सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है अंदर इसके बॉक्स इसके अंदर, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है. अब ये एक लाइन जा रही है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है पी, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, ओके ये लिखा हुआ है. अब इसमें तो ये लिखा हुआ है, अब ये तो फिगर हो गया हमारा. हम अब इसका शो डेट, ए सी था डायगोनल शो डेट करना था हमें. सो इसका फर्स्ट दे रखा है SR, क्या लिख लेते हैं SR पैरेलल AC. SR जो है वो पैरेलल है AC के, एंड एंड और जो है एंड SR is equals to 1/2 यानी कि हाफ AC, और हाफ क्या है, AC क्या है, हाफ है. अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि AC क्या है, हाफ है. अब यहाँ पे जो AC हाफ है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, SR parallel AC and SR is equals to half AC भी करना है. सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा P जो है, P क्या एक मिड पॉइंट है, इसका AB का मिड पॉइंट है ना, और S भी क्या है मिड पॉइंट है. अब S देखिए किसका मिड पॉइंट है, पहले S देख लेते हैं, S किसका मिड पॉइंट है, SR की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, PQ की नहीं अभी. सो SR का मिड पॉइंट देखते हैं, अब S का मिड पॉइंट देखते हैं, तो AD S इज द मिड पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये AD का मिड पॉइंट है. एस क्या है, AD का मिड पॉइंट है, ओके ये हो गया. अब इसके बाद क्या है, R किसका पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. ये किसका है, CD का, R जो है वो मिड पॉइंट है किसका, CD का, ओके. अब ये हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया. अब इसमें क्या करना था हमें, जब ये मिड पॉइंट है AD का और इस CD का, अब यहाँ पे क्या है, DD दोनों में दे रखा है. सो AC हाफ हो गया किसका, SR का, इक्वल्स टू, है ना, ठीक है ये हो गया. अब बात करते हैं हम सेकंड वाले में, सेकंड वाला क्या दे रखा है हमें, चलिए देखते हैं सेकंड वाले में हमें दे रखा है क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं सेकंड वाले.
क्वेश्चन को फर्स्ट का सेकंड दे रखा है हमें पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर दे रखा है हमें। सो अब क्या हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले क्या था एस आर, अब यहाँ पे क्या है पी क्यू। तो पी क्यू को देखते हैं, पी इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ओके अब बात करते हैं क्यू की, क्यू इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ बी सी। इसका बी सी का मिड पॉइंट है। ओके अब ये हो गया क्यू। ओके क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके ये है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। ओके अब इसमें हमें क्या करना था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, जैसे हमने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी हमारी क्या थी, चलिए देखते हैं पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे थी हमारी। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी क्या थी, हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू, पी क्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू पैरेलल ए सी, पैरेलल ए सी, PQ parallel AC and ये तो है and PQ is equals to half, PQ is equals to half AC। ये है, ये तो करना है। अब यहाँ पे is equals to होगा दोनों, क्योंकि half AC है और parallel AC है। जब यहाँ पे अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, PQRS, PQRS is parallel, parallelogram, ये दे रखा है हमें। सो यहाँ पे लिख लेते हैं PQRS is a parallelogram, parallelogram, दे रखा है हमें। ओके PQRS is a parallelogram। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब ये जो था हमारा आर एस जो था क्या, हाँ एस आर जो था, एस आर इज इक्वल्स टू वो पैरेलल ए सी। यहाँ क्या है, पैरेलल ए सी है, ए सी दे रखा है, एस आर पैरेलल ए सी ये है। अब एस आर पैरेलल ए सी एंड दे रखा है एंड, फिर यहाँ पे एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, ये भी दे रखा है ना, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। अब यहाँ भी दे रखा है एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। ओके अब और उसमें क्या दे रखा था, पी क्यू, फिर हमने जो इज इक्वल इन्होंने पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर करने के लिए हमने क्या करा था, फिर इसके जैसे सेम बनाया हमने, पी क्यू पैरेलल ए सी ये हुआ एंड एस आर, वो सॉरी एस आर मीन पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, हाफ ए सी ये है। ठीक है अब इसमें क्या हो जाएगा, जब पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या एस आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा और एस आर हाफ हो जाएगा पी क्यू के। ओके ये भी हो जाएगा। ठीक है अब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, जब दोनों पैरेलल हैं तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये भी हो गया थर्ड वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारे टू पर, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। आइए यहाँ पे देखता है क्वेश्चन नंबर टू हमें, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट। अब यहाँ पे भी पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ऑफ द साइड, किस साइड के, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इनके रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली शो डेट द क्वाड्रिलेटरल्स, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें शो करना है क्या, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। So, क्या रोम्बस बना लेते हैं, क्या बनाना है हमें यहाँ पे, रोम्बस ऐसे ही तो बनती है, ये रोम्बस। अब इसके अंदर ऐसे करके ये दे रखा है हमें रेक्टेंगल बना लेते हैं।
वहां पे ये हो गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ये सब बनेगा। ठीक है, अब ये हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये हो गया क्योंकि मिड पॉइंट्स है, लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ये एक लाइन जा रही है, ओके, ये एक क्या जा रही है, लाइन जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, ई पॉइंट, यहाँ पे क्या है, पी। अब यहाँ पे जो है ये हाफ, ये ऐसे करके ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, एंगल वन। और यहाँ पे जो ये ऐसे एंगल बन रहा है ये है एंगल टू, और यहाँ पे जो है एक एंगल बन रहा है ये है एंगल थ्री, यहाँ पे बन रहा है एक एंगल वो है एंगल फोर, यहाँ पे बन रहा है एक एंगल वो एंगल फाइव, ये है एंगल फाइव। ओके, ये हो गया। अब ये फिगर हमने बनाया है ना, ठीक है। अब ये हो गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। बताऊ क्यों, कि हमें क्या दे रखा है, P Q R S इज अ मिड पॉइंट एंड साइड किसके, वो ए बी सी डी, बी सी और सी डी डी ए, इसके क्या है वो मिड पॉइंट्स है। अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, चलिए तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना पड़ेगा। सो सिचुएशन फर्स्ट में क्या दे रखा था हमें, सिचुएशन फर्स्ट है, इसमें क्या करना था हमें, जो ये S, S क्या था, मिड पॉइंट था किस किस का। अब P Q, पहले तो S R की बात हो रही थी ना, तो S R मिड पॉइंट था किसका, AD का, और R किसका मिड पॉइंट था, CD का, ये हो गया इसका, ऐसे ये मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ कि सिचुएशन फर्स्ट में ये S R पैरेलल AC, S R पैरेलल AC एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ एस, ये लिख लिया हमने, ये क्या है सिचुएशन फर्स्ट। अब सेकंड में क्या दे रखा था हमें, यहाँ पे क्या करना था, पी क्यू, तो ए बी था, यहाँ पे बी सी था, ओके ये था। अब पी पी किसका पॉइंट था, तो वो मिड पॉइंट था ए बी का, और क्यू किसका था, बी सी का। अब यहाँ पे क्या बना हमारा, पी क्यू, यहाँ पे क्या बना, पी क्यू पैरेलल ए सी, पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये क्या थी हमारी सिचुएशन टू बनी। ओके, सिचुएशन टू हो गई है। अब इसी के साथ साथ हमारा क्या हुआ, पी क्यू आर एस, एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ठीक है ये हो गया, अब इसमें ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम जो अब क्वेश्चन को सेकंड जो करेंगे हम, वो क्या करेंगे इसके बाद हम, अब यहाँ पे क्या करा हमने, ये जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये दे रखा है हमें यहाँ पे, चलिए तो पहले देखते हैं एंगल, एंगल वन और एंगल इज इक्वल टू एंगल टू है। अब यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे देखिए सी आर, यहाँ पे क्या हो गया सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सी क्यू ये है। अब सी ई, सी ई इक्वल्स टू सी ई, क्योंकि यहाँ पे ई भी तो दे रखा है ना एंगल वन और एंगल टू में, ई भी लाइन जा रही है। ओके ठीक है, अब ये हो गया। अब एंगल एस आर एंगल वन का था, सी क्यू क्या था एंगल टू का थे। ओके ये हो गया। सो अब इसमें क्या बनेगा हमारा, ई यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइंगल ई आर सी इज इक्वल्स टू, ये वाली लाइन जो जा रही है हमारी, फिर ई क्यू सी बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल ई क्यू सी, ई क्यू सी, ठीक है ये बना, ये हो गया हमारा राइट। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये तो हमारा ये बन गया पूरे एक। अब यहाँ पे क्या था हमारा, अब देखते हैं हम थ्री फोर का, एंगल थ्री और एंगल फोर का, एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, ये क्या सिचुएशन थर्ड। और फिर दे रखा है सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन फोर में ये एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, अब इससे हमें थ्री और फोर से क्या मिला, हमें इनसे थ्री, सिचुएशन थ्री और फोर से हमें क्या मिला, हमें मिला कि एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये मिला हमें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब फाइव देखते हैं, एंगल फाइव, इसमें क्या दे रखा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो था हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल फाइव में, ये आर क्यू पी कर लेते हैं पहले, तो हम आर क्यू पी यहाँ पे देख लेते हैं। आर क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल फाइव, ये है। अब क्या आंसर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है 90 डिग्री है, जैसे हमने यहाँ 3 ले सकते हैं चाहे 4 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 3। अब 3 में क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो सिंपल सी बात आ गई हमारी, आर क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 5, 180 डिग्री माइनस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ आर क्यू पी क्या है, यहाँ पे जो हमारा आर क्यू पी आया है इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री आया है, यहाँ पे पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके ये हो गया, अब हो गया ये आंसर आ गया हमारा, क्योंकि क्या हो गया क्यू आर एस इज 90 डिग्री आ गया। सो ये हो गया, अब इसके बाद क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा, उसमें फर्स्ट जैसे में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी यही दे रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं उसमें कैसे दे रखा है। अब ये हो गया क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी जो है वो क्या है रेक्टेंगल है, एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। अब पी क्यू आर एस जो है वो क्या है मिड पॉइंट्स, ओके पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट्स, वो क्या है मिड पॉइंट्स है, फिर से ऑफ साइड ए बी बी सी और सी डी डी ए इसके मिड पॉइंट्स है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस इज रोम्बस। अभी हमें क्या बताना है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस को हमें क्या बताना है रोम्बस बताना है। सो अब रोम्बस बताना है तो क्या करेंगे हम, ये बना लेंगे जैसे हमने बनाया, यहाँ देखिए अब यहाँ पे ये बन गया ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे एस यहाँ पे आर यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी, ये होगा। ओके ये हो गया ठीक है। अब फिर से जो लाइन जा रही है ये लाइन जा रही है, फिर से लाइन जा रही है। अब ये हो गया ठीक है, ये फिगर बना लिया हमने, हमने बना लिया है फिगर ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, फिर से वही करना है क्वेश्चन फर्स्ट जैसा, फिर से वही करना है। सो इस बार में मिड पॉइंट्स भी आप खुद देख सकते हैं, खुद देखिए इस बार मिड पॉइंट्स कैसे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, इस बार मैं सीधे लिखता जा रहा हूँ ठीक है। मिड पॉइंट्स देख लीजिए, मिड पॉइंट्स आप पहले देख लीजिए, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए मिड पॉइंट्स कौन सा किसका मिड पॉइंट है, और मैं फिर कर रहा हूँ ठीक है। चलिए करते हैं, अब ऐसा यहाँ क्या हो जाएगा, जो है एस आर पैरेलल ए सी के, एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, एंड एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर जो है वो हाफ ए सी के है। सो ये क्या है वन में फिर से सिचुएशन हमारी, फिर से सिचुएशन फर्स्ट है ओके, फिर यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू फिर से पैरेलल ए सी के, एंड PQ and PQ is equals to half AC, PQ क्या है फिर half AC क्या है ना, तो यहाँ पे क्या है ये सिचुएशन तो तुम में दे रखा है। अब फिर क्या है P, फिर क्या वही होगा P Q R S is a parallelogram or a parallelogram ठीक है, ये हो गया ठीक है हाँ। सो अब क्या करेंगे हम पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, अब ये हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, फर्स्ट में हमें यहाँ पे नाइन को यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है, जैसे हमें पहले एंगल बनाए थे ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब वहाँ पे हमने नहीं बनाए हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए बनाएंगे इज इक्वल्स टू एंगल बी बनाएंगे ओके, ये होगा। अब एंगल ए एंगल बी, अब यहाँ पे ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये हो जाएगा ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। अब यहाँ पे ए एस
इक्वल्स टू बी क्यू, बी क्यू ओके ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा जो एंगल बना, एंगल क्या बना हमारा यहाँ पे एंगल, एंगल बना हमारा पी एस पास इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू ये बन गया ठीक है। अब हमारा ये एंगल बना हमारा एक, क्योंकि हमने क्या कर लिया ए पी इक्वल्स टू बी पी कर लिया और ए एस इक्वल्स टू बी क्यू कर लिया हमने यहाँ पे। अब पी ए एस पी बी क्यू ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे आर नहीं आ रहा है सो यहाँ पे हम क्या करेंगे पी एस इक्वल्स टू पी क्यू ये हो जाएगा। अब पी एस इज इक्वल्स टू, पी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे हमारा पी एस इज इक्वल्स टू हाँ क्यू आर, क्यू आर और यहाँ पे पी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा पी एस इज इक्वल्स टू हमारा वो सॉरी पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। अब यहाँ पे पी आर क्यों नहीं हुआ क्योंकि पी तो दोनों में दे रखा है यहाँ पे भी पी यहाँ पे भी सो ये हो गया। अब यहाँ पे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये जो एंगल बना हमारा पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर ये बन जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा ऐसे। सो ये क्या बना हमारा रोम्बस बन गया है ओके okay, ये हमारी नॉर्मल बन गई है ठीक है। अब ये हो गया बात है क्वेश्चन नंबर फोर पर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर में। हाँ क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है हमें यहाँ पे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी जो है वो क्या है ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, बी डी इज अ डायगोनल, बी बी डी जो है वो डायगोनल है ई एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या है मिड पॉइंट है ए डी का और यहाँ पे अब क्या है पी क्यू आर एस नहीं आया है तो इसमें वो नहीं होगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करते थे वो वाला पैरेलल वाला पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम वो नहीं करेंगे। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए लाइन इज ड्रॉ through E, E, एक लाइन ड्रॉ हो रही है E पॉइंट के पैरेलल टू ए बी, वो क्या है पैरेलल है ए बी के इंटरसेक्ट इंटरसेक्टिंग बी और वो इंटरसेक्ट कर रही है बी के एट F, F जो पॉइंट है हमारा C फिगर फिगर दे रखा है उसमें दे रखा है हमें शो डेट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें शो करना है मिड पॉइंट बी सी को। अब कितना आसान सा क्वेश्चन है अब फिगर बना लेते हैं हमें यहाँ पे आप फिगर में क्या दे रखा है फिगर हमारा क्या बनाना है हमें ये हमें फिगर दे रखा है यहाँ पे हमें चलिए सही से बना लेते हैं ये फिगर ये है ऐसे दिया रखा है। अब यहाँ पे ये बना हुआ है यहाँ पे ऐसे ये लाइन जा रही है ये अब यहाँ पे ये लाइन जा रही है ठीक है। यहाँ पे लिखो हुआ है ए यहाँ पे लिखो हुआ है बी यहाँ पे लिखो हुआ है ई यहाँ पे लिखो हुआ है एफ यहाँ पे लिखो हुआ है डी मैंने बता दिया कि हमें E, F क्या है BC का मिड पॉइंट बनाना है। अब A, E तो AD का मिड पॉइंट है AD का मिड पॉइंट है और वो क्या कर रही है BC से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे E क्या है मिड पॉइंट है E इज द मिड पॉइंट इसे भी लिख लेते हैं E को वैसे तो उसमें नहीं दे रखा था फिर भी लिख लेते हैं पॉइंट ऑफ AD ये हो गया। अब F F भी क्या है मिड पॉइंट है BC का क्योंकि अब देखिए F लाइन जो ला रही है उसमें BC तो है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता यहाँ पे कुछ और होता जैसे यहाँ पे आ जाता यहाँ पे आ जाता जैसे एक्स वाई आ जाता कुछ भी आ जाता मतलब एक्स वाई आ जाता तो एक्स वाई का मिड पॉइंट होता ऐसे भी होता पर यहाँ पे सिर्फ बी सी दे रखा तो इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी ये हो गया बी सी का मिड पॉइंट ओके शो कर लिया हमने एफ क्या मिड पॉइंट है बी सी का ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है वो
इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर उस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है हमें ए बी सी डी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी जो है क्या ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल, ट्राइंगल कैसा राइट एंगल वाला ट्राइंगल है। एट सी, सी का ट्राइंगल है, मतलब चलिए देखते हैं अभी बना दूंगा मैं। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोथेसिस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, शो डैट, हमें शो करना है। पहले तो हमें क्या दे रखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब पहले मैं राइट एंगल बना लेता हूँ अपना, हमारा राइट एंगल था राइट एंगल। सो उसमें क्या बनाता है, ऐसा बनाना होता है। सो जाइए मैं अभी आता हूँ, बस दो मिनट भी नहीं लगेंगे, एक मिनट अभी आता हूँ। सो गाइस देखिए एक मिनट भी नहीं लगा, मैं आ गया। सो हम क्या राइट एंगल में बता रहा था आपको, सी ये ऐसा होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है ये। ओके अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख हुआ ऊपर ए, लिख हुआ बी, लिख हुआ सी, लिख हुआ डी, लिख हुआ एम। यहाँ पे एक ऐसे लाइन जा रही है, ये सी की तरफ ऐसे ही लाइन जा रही है, ठीक है, ये हो गया। अब डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ, किसका बताना था हमें, चलिए देखते हैं फिर से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे डी इज ए मिड पॉइंट बताना था हमें, किसका, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब डी मिड पॉइंट है ए सी का या नहीं देख सकते हैं, अब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, चाहे तो यहाँ पे ई या एफ होता, सो ये ई एफ का भी मिड पॉइंट होता, सो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता, कुछ ना कुछ करना पड़ता लंबा सा। अब ये शॉर्ट सी बात है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी ये क्या है, ए सी है, और ये उनका क्या है, मिड पॉइंट है डी हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है हमें, सेकंड वाला में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में दे रखा है हमें एम डी परपेंडिकुलर ए सी, एम डी जो है एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, एम डी ये क्या है, एम डी ये है, ये है हमारा एम डी, वो परपेंडिकुलर है ए सी के। अब यहाँ पे एम डी ये देखते हैं कि कैसे बना हुआ हमारा ये, चाहे छोटा सा बना के हम देख लेते हैं, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या है, ये एम डी है, वो किसको बताना हमें, एम डी परपेंडिकुलर ए सी, सी ए डी बी, यहाँ पे एम डी परपेंडिकुलर ए सी, एम डी जो है परपेंडिकुलर है कि नहीं ए सी के, चलिए देखते हैं। ये क्या है, ये एम डी है, एम डी ये है एम डी, अब यहाँ पे ए सी क्या है, ऐसे करके ये ए सी ऐसे बना हुआ है ये, है ना। सो एम डी भी क्या दे रखा है, उसके हाफ में ऐसे करके बना हुआ है, सो उसके हाफ में जब बना हुआ है, सो ये क्या जा रहा है, ये तो पूरा एक बड़ा सा जा रहा है, और उसके हाफ में जब वो आ रहा है बीच में, सो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ए सी के, सो यहाँ पे एम डी परपेंडिकुलर ए सी, ये हो गया यहाँ पे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं, सी एम, अब चलिए इसे हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, इसे तो लिखना पड़ेगा, सी एम equals to m a equals to half a b, ये दे रखा है। पहले हमें क्या करना होता था, half a c, और यहाँ पे क्या है a b, वैसे भी ज्यादातर a c आया, perpendicular a c बताना है, d is the midpoint of a c ऐसे करके आया था ना, तो यहाँ पे b दे रखा है। अब c m is equals to m a है कि नहीं, c m, अब c पे भी ऐसे लाइन जा रही है m की तरफ, d पे भी ऐसे लाइन जा रही है, फिर से हमें अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर से हम छोटा सा अपना बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बी। अब यहाँ पे सी से भी लाइन जा रही है, ठीक है, अब डी से भी लाइन जा रही है, तो क्या है, एम डी सी एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू एम ए, एम ए है, अब डी से भी लाइन जा रही है, तो डी से
एक है जुड़ा हुआ है डी से भी और एक एम से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ सी एम इज़ इक्वल्स टू एम ए, ये हो जाएगा ठीक है। सी एम तो लाइन जा ही रही है सीधी सारी, अब डी से डी की भी लाइन जा रही है तो ये ए डी से जुड़ा हुआ है, सो एम एम ए, ये हो जाएगा सी एम इज़ इक्वल्स टू एम ए इज़ इक्वल्स टू हाफ ए बी। अब ये क्या करेंगे, हाफ ए बी, हाफ ए बी कैसे, अब एम इज़ इक्वल्स टू एम है ये देखिए हाफ है ए का भी बी का भी, सो ये क्या हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू हाफ ए बी, ये भी हो गया। थर्ड वाला भी हमने सॉल्व कर लिया, सो इतनी थे, सो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, सो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गाइस बाय।